हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। देखिए, बात करेंगे यूपी बोर्ड एंट्रेंस 2019। देखिए आज की लेटेस्ट अपडेट क्या है, 30 जून आज की लेटेस्ट अपडेट और आवश्यक सूचना क्या है आप लोगों के लिए। देखिए पहले तो बात करेंगे कि पूल काउंसलिंग में कितने कुल रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ फीस भी कितने कैंडिडेटों ने जमा करके अपनी सीट कन्फर्म कर ली है, ठीक है। वहीं बात करेंगे पूल काउंसलिंग में बची सीटें, पूल काउंसलिंग में सीटें कितनी बची हुई हैं, इसका जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और बात करेंगे फीस को लेकर के, तो फीस वापसी कब तक हो जाएगी, ठीक है। मतलब जो आप लोग, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में पूरा प्रोसेस किया, कॉलेज फिलिंग किया, कॉलेज आपको नहीं अलॉट हुआ, ठीक है, कॉलेज ना अलॉट होने पर जो आपने एडवांस कॉलेज फ़ीस जमा करी थी वो आपकी कब तक रिफ़ंड हो जाएगी, ये सब बातें करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब की बटन आपको दिख रही होगी, उसको दबा करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। बगल में दी गई बेल आइकन को प्रेस करने से सारे लेटेस्ट अपडेट बीएड से जुड़े मिलते रहेंगे आपको। पहले तो आज की अपडेट देखेंगे, क्या अपडेट है, न्यूज़ अपडेट क्या है आज की। देखिए बीएड पूल काउंसलिंग में 58,000 सीटों के लिए 2 दिन का मौका। अभी आपकी 58,000 सीटें बची हुई हैं काउंसलिंग के लिए, जिसमें 2 दिन का आपको मौका है, यानी यहाँ पे आपका बचा है 30 जून और 1 जुलाई, ठीक है, 30 जून और 1 जुलाई बचा हुआ है, यानी आज का दिन है और कल का 1 जुलाई, तो ये दिन आपके लिए बचे हुए हैं, जिससे कि आप, अगर आपने काउंसलिंग नहीं कराई है, आपको लगता है कि काउंसलिंग करानी चाहिए या सीट आपको बीएड करना है, जैसा भी आपका माइंड मेकअप हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप काउंसलिंग करा सकते हो, ठीक है। वहीं बात करेंगे बीएड की, पूल काउंसलिंग का शनिवार दूसरा दिन था, ठीक है, पूल काउंसलिंग के लिए जो शनिवार है वो दूसरा दिन था। शाम 7 बजे तक 27,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने फीस जमा करके पंजीकरण कराया, 27,000 आंकड़ा पहुंच गया है। पहले दिन केवल 12,000 अभ्यर्थियों ने ही रजिस्ट्रेशन किया था, अब ये 27,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने फीस जमा करके पंजीकरण किया। अब 1 जुलाई तक पंजीकरण के लिए करीब 58,000 सीटें बची हुई हैं, ठीक है। वहीं बीएड में एडमिशन के लिए शुक्रवार से पूल काउंसलिंग शुरू हो गई है, ठीक है, और दूसरे दिन, जो कि मैं बता चुका हूँ फिर से बता दूँ, दूसरे दिन 27,000 अभ्यर्थियों ने जमा की फ़ीस, इन टोटली फ़ीस। देखिए फ़ीस कितनी जमा हो रही है, 52,000 रुपये फ़ीस जमा हो रही है, जिन लोगों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, ठीक है, तो 52,000 रुपये जमा करके आपको पंजीकरण कराना है, जिसमें से आपकी जो फ़ीस है वो 51,250 है और 750 रुपये आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। आगे बात करते हैं, पहले दिन 12,000 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करा करके फीस जमा की और शनिवार को यह आंकड़ा 27,000 तक पहुंच गया। इससे पूर्व पहले और दूसरे चरण की जो काउंसलिंग में करीब 1,30,000 सीटों के लिए एडमिशन हो चुके हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा के जो राज्य समन्वयक प्रोफेसर बीआर कुकरेती हैं, इन्होंने बताया कि पूल काउंसलिंग के लिए करीब 58,000 सीटें अभी बाकी हैं, जिनके लिए अभ्यर्थियों के पास 1 जुलाई तक मौका है। ये सारी अपडेट थी दोस्तों आज की न्यूज़ अपडेट। अच्छा, अब देखिए बात क्या करेंगे, अब बात करेंगे कि पूल काउंसलिंग में सीटें कितनी बची हैं, 58,000 बची हुई हैं, और फीस वापसी को लेकर के। दोस्तों फीस वापसी को लेकर के पहले भी अपडेट आ चुकी थी कि जिन लोगों की फीस, जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, जो कॉलेज उन्हें चाहिए था, मन जो उनका मन पसंद जो भी कॉलेज था वो उनको अलॉट अगर नहीं हुआ है, फिर उन्होंने काउंसलिंग अगर आगे प्रोसेस नहीं किया है, तो उनकी जो फीस है, जो एडवांस कॉलेज फीस है 5,000 रुपये, वो दोस्तों काउंसलिंग प्रोसेस के बाद, यानी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है उसकी पूरी होने के बाद में आपकी काउंसलिंग की जो फीस है उसको छोड़ करके, यानी 5,000 रुपये आपके वापस कर दिए जाएंगे, रिफ़ंड कर दिए जाएंगे आपके अकाउंट में। हाँ, और उनकी भी बात करेंगे जिन्होंने डबल डबल फीस, यानी डबल कैसी, एक बार काउंसलिंग करवाई उसमें
उन्होंने फीस जब पे करी तो उनकी क्या हुई कि फीस पूरी तरह से पे नहीं हुई और फिर से वही ऑप्शन ओपन हो गया। तो फिर से जब फीस पे करेंगे, फीस पे करने में फिर से उन्हें क्या करना पड़ा, फिर से उन्हें फीस पे करनी पड़ी। जब फीस से उन्होंने फीस पे कर दी तो उनका क्या हो गया, दो बार उनको 5,750 पहले पे करी, फिर दोबारा से पे करनी पड़ गई क्योंकि वो उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो सका था। तो ये देखिए, इसके लिए क्या है कि ना, ये फीस आपकी वापस हो जाएगी क्योंकि आपने दो बार इसमें फीस पेमेंट कर रखी है। ठीक है, पहले ही बार अगर अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचा है, पहले जो आपने फीस पेमेंट करी उसका अकाउंट में अगर पैसा नहीं पहुंचा है और दूसरे बार का पैसा पहुंच गया और पहले बार का जो आपने पेमेंट की हुई थी वो कुछ समय बाद पहुंचा, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, आपके अकाउंट जैसे आपने अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किए तो वहाँ बैंक से क्या होता है ना, मैसेज आता है, जैसे ही आप अकाउंट में डिपॉजिट करोगे या विड्रॉ करोगे तो मैसेज आता है। ठीक है, वो कभी कभी बहुत लेट भी आ जाता है, तो रीज़न यही होता है। ठीक है, ये सब क्या है, इंटरनेट की गड़बड़ी के चलते होता है। ठीक है, तो फीस वापसी आपकी जो है, पूल काउंसलिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो सारा कंप्लीट होने के बाद में आपकी फ़ीस वापसी का जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब आईडी आप अपनी क्या करेंगे, लॉगिन करने के बाद जो इंटरफेस ओपन होता है वहाँ पे जब आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या है ना कि जब डिटेल आ जाएगी कि आपका अब जो पैसा है वो रिफ़ंड होने वाला है। ठीक है, या हो सकता है कि वेरिफिकेशन को लेकर के एक डिटेल आ जाएगी, उसमें वेरिफिकेशन आप कर सकते हो, उसके बाद में आपका अकाउंट में पैसा 24 आवर्स में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ प्रोसेस रहने वाला है। और बात उनकी करेंगे जिनको कॉलेज अलॉट हो गया था और उनको वो कॉलेज मनपसंद का नहीं है, नहीं चाहिए, फीस कैसे वापसी करें, ये सारा प्रोसेस चल रहा है। दोस्तों देखिए, इसमें इसको लेकर के बहुत बड़ा इशू आ रहा है कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है और आपने एडमिशन ले लिया है उसमें और उसके बाद में आपको फ़ीस वापसी चाहिए, तो उसके लिए देखिए क्या है ना कि प्रोसेस बहुत लंबा है क्योंकि ऑनलाइन आपने पैसे सबमिट कर रखे हैं और वो पैसे यूनिवर्सिटी से हो करके आपके कॉलेज भी पहुंच गए हैं। तो उसके लिए क्या है कि आपको अपने कॉलेज में बात करनी होगी जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है। अगर कॉलेज वाले एग्री हो जाते हैं फीस वापसी को लेकर के तो आपको फ़ीस वापसी हो जाएगी, नहीं तो कोई इसमें चांस नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको पहले सोचनी थी। ठीक है, तो बाकी और कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपके दिन शुभ हो।